सरायकेला के राजनगर प्रखंड के एदल पंचायत अंतर्गत गोलो कुटुंग गांव में लगभग 40 से 45 लोग अचानक एक साथ बीमार पड़ गए हैं। बीमार लोगों में बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत है। जानकारी मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए गाँव में ANM के द्वारा सभी बीमार लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई है, जिससे कुछ लोगों में सुधार हुआ है, लेकिन वहीं अधिकतर मरीज की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक इलाजरत मरीजों को बाहर का खाना खाने से फूड प्वाइजनिंग हुआ है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा निजी वाहन से सभी ग्रामीणों को अस्पताल पहुँचाया गया है। इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी को भी दे दी गई है। फिलहाल अस्पताल में बेडों की कमी नहीं है। स्थिति को देखते हुए छुट्टी पर गई हुई नर्सों को भी बेहतर सेवा के लिए बुला लिया गया है। सुबह में ही सूचना मिली थी कि जो हमारा बी कुटुंब जो इलाका है वहाँ पे कुछ लोगों की उल्टी बुखार की कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो उसके बाद हम लोगों ने 3 राउंड में उसका डोर टू डोर किया जहाँ जहाँ प्रभावित थे लोग। शुरू में हमारे ANM की वहाँ बी कुटुंब की जो टीम थी उन्होंने राउंड किया। सेकंड राउंड में हमारे PHC की जो SCSC राजनगर की टीम गई, साथ में डॉक्टर्स भी गए और उनको देखा गया, उनको दवाई दी गई। तो तब तक उतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, हालांकि बात अभी भी बड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि एक दो बार भी उल्टी और बुखार हो रहा है, लोग थोड़ा सा डर गए हैं, घबरा गए हैं। क्योंकि ऐसा क्या वाक्य हुआ कि सर अचानक से 30-35 लोगों को अभी तो ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोगों ने कहा था कि उन लोग कहीं बाहर का कुछ खाए थे, अपने घरों में जो खाना उपलब्ध होता है उसके बाहर कभी कुछ खाना खाए थे। अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि किसी कौन सी चीज़ खाने की वजह से ऐसा हुआ। आ रहा था अचानक कल से सबको उल्टी पैखाना और फीवर आना, मतलब बुखार आ रहा सबको, सब कमज़ोर हो जा रहे और बच्चे लोग, विशेष करके बच्चे लोग को। कब से ये? कल से। और उसके बाद कोई चिकित्सा टीम वगैरह? सुबह आए थे राजनगर से, 2 नर्स आए थे, वो कुछ स्लाइन पाउडर वगैरह दवाई वाई दिए हैं, तो कुछ का कंडीशन ठीक है, लेकिन आज दोपहर से फिर कुछ लोग को स्टार्ट हो गया, जो अभी नए हैं उन लोग का हालत ख़राब है। तो इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है? हमको लगता है जहाँ तक ये कुछ डायरिया टाइप का वायरस होगा या फिर कोई वायरल फीवर होगा, जो मतलब अभी पकड़ में नहीं आया जब तक, तो कैसे बता पाएंगे, लेकिन हम प्रशासन को आना चाहिए चेक करके दवाई होगी समाधान करना। इसे इन्फॉर्म हुआ कि यहाँ पे कुछ ग्रामीण जो कि बुजुर्ग भी उसमें सम्मिलित है, बच्चे भी हैं, जवान भी है, सभी का मतलब हालत डायरिया जैसे हो चुका है, कोई मतलब लेटरिंग और आपका उल्टी से परेशान है। तो जैसे हम लोग को इन्फॉर्म हुआ तो हम लोग यहाँ पहुँचे कि हम लोग की तरफ से जो सहयोग इन लोग के लिए बने और हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके इन लोग को पहुँचाया जाए, उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ जितना जल्दी हो सके पहुँचे।